नमस्कार जोहार साथी सब सबके खतियानी जोहार। तो एखन एगो जेएमएम में विवाद चल रहा हो जेकर में हमनी के लोबिन हेम्ब्रम आर सीता सोरेन जे सबसे पहले माटी के देख लथिन और हमनी साथ खड़ा हथुन। तो ओकरे में जेएमएम वाला जितना भी कार्यकर्ता हथुन और स्टीफन मरांडी द्वारा खासकर ओकिन पे आरोप लगा रहे हथिन कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वे लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। ओकरे में लोबिन हेम्ब्रम दाकर जवाब की है, वह वीडियो हम लेके आए लियोन और तोहिन के ई कमेंट में जवाब देना हूँ कि लोबिन हेम्ब्रम के जेएमएम पार्टी छोड़ देना चाहिए या फिर पार्टी में रह के माटी कर लड़ाई करक चाहिए। तोहिन के की विचार हो कमेंट में जरूर कमेंट करिया। तो चला देख भाई स्टीफन मरांडी के जवाब दिलथिन लोबिन हेम्ब्रम, तो वह वीडियो में देखा। यहाँ सारी नीति नहीं होना चाहिए, पूरे देश के अंदर में हर राज्य में सभी राज्य का अलग अलग स्थानीय नीति होता है, लेकिन आज झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना, इसे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कोई आदमी बोलता है कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन बीजेपी भी मिल रहा है, क्या साले तुम सपना देखा था क्या कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन बीजेपी भी मिल रहा है? अरे यही शख्स है आज जिस समय हमको टिकट नहीं दिया 295 में और 1995 में, और मैं निर्दलीय जीता, लोगों ने हमको जिताया और फिर भी हमने शिबू सोरेन को नहीं छोड़ा, ये तीरदर्ज झंडा को हमने नहीं छोड़ा। लेकिन वही स्टीफन मरांडी वो पहला चला गुरुजी का, गुरुजी को छोड़ के चला गया कांग्रेस में, और कांग्रेस में जब उसको सम्मान नहीं मिला तो लास्ट में फिर यही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सम्मान दिया उसको, और आज वो हम पर इल्जाम लगा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में मिल रहा है, बीजेपी के बहकाव में ऐसा कर रहा है। लोबिन हेम्ब्रम सरकार के विरोध में बात करता है, लोबिन हेम्ब्रम संगठन के विरोध में बात करता है। लोबिन हेम्ब्रम वैसा दे पहले तुम अपना गिरिबान को झाको और लोबिन हेम्ब्रम को तब उंगली दिखा दे। स्टीफन दा का कहना है कि लोबिन हेम्ब्रम से 32 खतियान के बारे में जानकारी नहीं है। कौन होता यार स्टीफन? अरे पढ़े लिखे हो, PhD किए हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमको तो पता नहीं है। अगर तुमको पता होता, तुम सीनियर बॉस से हो, क्यों नहीं मुख्यमंत्री को कहा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? क्या बजाय हम बोल रहे हैं, क्या यहाँ स्थानीय नीति नहीं होना चाहिए? पूरे देश के अंदर में हर राज्य में सभी राज्य का अलग अलग स्थानीय नीति होता है, लेकिन आज झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना, इसे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। क्या डिबेट के लिए तैयार है स्टीफन दा के साथ? बिल्कुल तैयार है, जिसके साथ भी हमको बैठा दो डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिये कोई आदमी बोलता है कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन बीजेपी भी मिल रहा है, क्या साले तुम सपना देखा था क्या कि लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन बीजेपी भी मिल रहा है? अरे यही शख्स है आज जिस समय हमको टिकट नहीं दिया 295 में और 1995 में, और मैं निर्दलीय जीता, लोगों ने हमको जिताया और फिर भी हमने शिबू सोरेन को नहीं छोड़ा, ये तीरदर्ज झंडा को हमने नहीं छोड़ा। लेकिन वही स्टीफन मरांडी वो पहला चला गुरुजी का, गुरुजी को छोड़ के चला गया कांग्रेस में, और कांग्रेस में जब उसको सम्मान नहीं मिला तो लास्ट में फिर यही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सम्मान दिया उसको, और आज वो हम पर इल्जाम लगा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में मिल रहा है, बीजेपी के बहकाव में ऐसा कर रहा है। लोबिन हेम्ब्रम सरकार के विरोध में बात करता है, लोबिन हेम्ब्रम संगठन के विरोध में बात करता है। लोबिन हेम्ब्रम वैसा दे पहले तुम अपना गिरिबान को झाको और लोबिन हेम्ब्रम को तब उंगली दिखा दे। स्टीफन दा का कहना है कि लोबिन हेम्ब्रम से 32 खतियान के बारे में जानकारी नहीं है। कौन होता यार स्टीफन? अरे पढ़े लिखे हो, PhD किए हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमको तो पता नहीं है। अगर तुमको पता होता, तुम सीनियर बॉस से हो, क्यों नहीं मुख्यमंत्री को कहा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? क्या बजाय हम बोल रहे हैं, क्या यहाँ स्थानीय नीति नहीं होना चाहिए? पूरे देश के अंदर में हर राज्य में सभी राज्य का अलग अलग स्थानीय नीति होता है, लेकिन आज झारखंड में अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना, इसे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। क्या डिबेट के लिए तैयार है स्टीफन दा के साथ? बिल्कुल तैयार है, जिसके साथ भी हमको बैठा